रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बहुत सारे भारतीय जो है वो यूक्रेन में फंस गए, खासकर छात्र। और ऐसे ही कुछ छात्र मेरे साथ इस समय हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन से किसी तरह से यहाँ पर बुडापेस्ट पहुंचे हैं, हंगरी पहुंचे हैं, और यहाँ से अब ये भारत वापस जाएंगे। ये खार्की में जो शहर है यूक्रेन का, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ये उज़्गोद जो शहर है यूक्रेन का, ये वो बच्चे हैं। हाथ में ये तख्ती लिए इंडियन स्टूडेंट्स की, ये क्या लेके चले थे वहां? जी नहीं, ये यहाँ पे एम्बेसी ने ही प्रोवाइड किया है। कि ये बताइए, आप लोग वहां जब थे तो वहां किस तरह के माहौल था, कितना समय लगा आपको यहाँ तक आने में? जी, जब हम उज़्गोद में थे वहां से बस से सुबह 4 बजे चले थे, चौक बॉर्डर तक पहुंचने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट वहां से हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने में 15 to 16 आवर लग गई। बहुत सारे ट्रैफिक वगैरह एंड चेकिंग वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो फिर भी हम भगवान के से सही सलामत पार कर गए बॉर्डर। फिर कहाँ रुके यहाँ के? यहाँ पर हम आए, पहले ओम्बेट हॉस्टल पे रुके, फिर यहाँ से रात में हम यहाँ पर आए हैं। इंडियन एम्बेसी अरेंजमेंट का, इंडियन एम्बेसी ने प्रोवाइड किया था। आप सभी लोग सब मेडिकल छात्र हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं और कब यहाँ पहुँचे? मैं मृणाल भट्ट, उज़्गोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और हमें भी जो है हम लोग भी सब साथ में ही आए हैं। 28 तारीख को हम लोग वहाँ से निकले थे सुबह, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने हमारे लिए बस अरेंज की थी। तो अभी तो वहाँ, अगर उज़्गोद की पर्टिकुलर में बात करूँ तो वहाँ तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन जो लोग अभी फंसे हुए हैं हम तो उन्हें यही कहेंगे कि आप लोग जो है उज़्गोद आइए, वहाँ सर से मिलिए, वो आपको सेफली यहाँ एम्बेसी में। यहाँ पर खार्की से बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ने गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा तबाह हुआ, हम इनसे बात करते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ क्या हुआ है और अब कैसे यहाँ तक पहुँचे? आपका नाम? सर, मेरा नाम हुस्न मुबारक है, हम खार्किव सिटी से वी एन क्रेजिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। तो हम लोग 5 दिन तो सर वंकर में ही रहे विदाउट फूड। खार्किव में? जी, मैं खार्किव में था, ये मेरे दोस्त भी खार्किव में थे, और हम लोग पांच दिन लगातार हम लोग बंकर में थे। और 6वें दिन जब पता चला कि यहाँ से भागना है, तो हम लोग सिर्फ पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके वहाँ से भागे हैं। जब आप बंकर में थे उस दौरान बमबारी हो रही थी? हाँ, कंटिन्यूस बमबारी हो रही थी। हम लोग, मेरा 4th फ्लोर पे फ्लैट था, तो हम लोग बंकर में छिपे, तो खाना खाने के लिए ऊपर नहीं जा रहे थे, क्योंकि ऊपर जाते थे तो बम आवाज हर वक्त सुनाई देती थी, मिसाइल बम हर वक्त होती थी। और वहां से जब हम लोग निकले तो यूक्रेनियन पुलिस ने प्रिफरेंस दे रही थी यूक्रेनियन पर्सन को ट्रेन पे बैठने के लिए, हम लोग सीट भी मिली थी उठा देते थे वहाँ के लोकल, और पुलिस भी वहाँ के हमें मारे भी हैं। क्या आपको मारा है? प्रिफरेंस नहीं दे रहे थे और मतलब धक्का दे के उसे हटा दिए हम लोग को। और वहाँ से जब कीव के लिए ट्रेन, खार्किव से लवीव के लिए ट्रेन पकड़े हम, 23 घंटे 22 घंटे की जर्नी थी, फिर लवीव से हम लोग यहाँ आए चौक, फिर चौक से यहाँ हंगरी बॉर्डर क्रॉस किए। तकलीफ बहुत हमें, खाना यहाँ हंगरी बॉर्डर में घुसने के बाद किस तरह की मदद मिली, कहाँ रुके हैं? हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं, एम्बेसी प्रोवाइड करवाई है, और एम्बेसी यहाँ पे सही है, एम्बेसी यहाँ पे हम लोग को ध्यान रख रही है, लेकिन खार्किव में एम्बेसी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, अभी भी बच्चे जो फंसे हुए हैं उसको बोल रहे हैं जाके जंगल में छुप जाओ, फ्लैट में बंकर में भी नहीं छुपने के लिए बोल रहे हैं, जाके जंगल में छुप जाओ। अभी आपके वहाँ पे अभी दोस्त फंसे हुए हैं? आप जैसे एक दोस्त अभी फंसे हुए हैं, आप भी वहीं से? आप? मैं शिवम हूँ, मैं भी वी एन कॉलेज में पढ़ता हूँ। एक्चुअली 23 तारीख को रात में, मतलब अचानक से 3-4 बजे हमारी नींद टूटी, तो हमें बम की आवाज़ सुनाई दी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी क्या हो रहा है, वॉर का सिचुएशन है, हमें निकलना पड़ेगा अचानक से। लेकिन उस समय हमें पता चला कि जितने भी एयर बेस हैं वो वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो हमारा जो भी फ्लाइट था वो सारा कैंसिल हो चुका था। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सुनने में आया कि या तो हॉस्टल आ जाओ या कोई भी बंकर या कोई भी अंडरग्राउंड। तो हमारे फ्लैट के नीचे अंडरग्राउंड बंकर है, तो हम वहाँ चले गए। तो 1-2 दिन तक हमें आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब हम ऊपर जा रहे हैं अगर खाना बनाने के लिए, तो सामने गिर रही है बम, गिर रही है, और हम देख सकते हैं कि आकाश में मतलब पूरा फायर वर्क टाइप का ऐसा हो रहा है। तो मतलब ऐसा सिचुएशन था कि सारे पैनिक हो रहे थे धीरे धीरे कि अब क्या करें। और उस तरफ ऐसा है कि हमारा बॉर्डर रशिया के बॉर्डर से लगभग, समय लगा आपको आने में? हमें वहां से पहले 23 के रात को जो स्टार्ट हुआ वॉर, तो 24 से लेकर 28 तक हम लोग बंकर में थे। खाना वाना जो भी था थोड़ा बहुत जैसे भी हो रहा था हम लोग मैनेज कर रहे थे। उसके बाद 28 को ऐसा पता चला कि 2 तारीख से ट्रेन नहीं चलेगी, कहीं से न्यूज़ आई कि 2 तारीख से ट्रेन नहीं चलेगी। तो हम लोग रिस्क लेके, और उस दिन हैवी कर्फ्यू लगी हुई थी खार्किव में, तो हम लोग उस दिन निकल गए अपने रिस्क पे, खुद पे, जैसे भी ट्रेन पकड़ना है। तो हम लोग वहां से निकले, तो लकीली हम लोग को उस दिन ट्रेन मिल गई, क्योंकि खार्किव में कर्फ्यू लगी थी और बाहर जाना मना था, तो हम लोग रिस्क लेके निकले, लेकिन मिल गई। उसके बाद हम लोग वहां से लिविव पहुंचे, फिर लिविव में लगभग शाम तक, लगभग 8-9 घंटे के बाद हमें बस मिली।
बस किए हम लोग, और बस से आए हम लोग चौप। फिर चौप में ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत ज्यादा रश थी, हर जगह से बच्चे आए हुए थे। फिर वहां से हम लोगों को इमिग्रेशन वगैरह टिकट के लिए लगभग 8-9 घंटे वहां भी लग गए। फिर वहां से हमें ट्रेन मिली और हम लोग आए जहौनी बॉर्डर। जहौनी बॉर्डर पे ऐसा हुआ कि अब वहां से टिकट मिल रही है ट्रेन की बुडापेस्ट के लिए, तो बुडापेस्ट फिर यहां आए और हम लोग को यहां पे सामने इधर कोई एम्बेसी की ही एक ऑफिस है, वहां हम लोग रुके। वहां पे सब कुछ मैनेज किया गया, वहां बहुत अच्छे से केयर किया गया, फिर हम लोग को ये होटल प्रोवाइड। बीच में डर लगा रहा जब तक आप यूक्रेन बॉर्डर भी, ऐसा बहुत लोगों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा है कि मान लीजिए एम्बुलेंस गई साइड से और आवाजें सुन रही हैं, तो बच्चे थोड़ा लगते हैं कि मतलब क्या अचानक से कुछ क्या सायरन की आवाज। जब भी कोई एम्बुलेंस या फिर कुछ भी ऐसा व्हीकल जा रहा होता है, पुलिस की गाड़ी जा रही होती है, तो वो एक साइकोलॉजिकल वे में हम लोग पे ऐसा इम्पैक्ट डाला हुआ है कि लग रहा है जैसे कि सायरन बज रहा है, हमें बंकर के अंदर जाना है। एग्जैक्टली और अभी भी आपको लगता है जब ऐसे कोई एम्बुलेंस या गुजर रही है तो आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, वी आर रियली थैंकफुल टू द इंडियन एम्बेसी जिन्होंने इतना हेल्प किया। लेकिन पुतिन के बारे में जहां तक बात की जाए, ही इज अ ट्रू डिक्टेटर। ये बता नहीं, मैं उस पे आएंगे। ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जब गुजर रही तब हो रहा है, तो ये वहां पे ऐसा क्यों, ये मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि मैं खारके में था, ईस्टर्न जोन है वो, मतलब वो कॉम्बैट जोन बन रखा था, और जहां आपको पता है कि वहां इतनी बॉम्बार्डिंग, इतनी शेलिंग हुई है कि वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को पता नहीं था बॉम्ब की आवाज कैसी होती है। जब बॉम्ब गिरने लग गए तो वी वेयर रियली स्केर्ड बिकॉज ऑफ दैट। क्या कह रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी तोड़ दी वीएन करे जी ना, दोनों मेन बिल्डिंग और मेडिकल बिल्डिंग में। टीचर मेरे, मैं जिस फ्लैट पे रहता था 13 फ्लोर थी, 7 फ्लोर एकदम ब्लास्ट खत्म। और हमारे टीचर का भी न्यूज है, अभी कंफर्म नहीं है क्या, उस वो भी बहुत खराब हालत में। ये सारे जो बच्चे हैं ये यूक्रेन के दो अलग अलग शहरों से हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इन्होंने देखे और कैसे ये उस हालात में वहां से निकलकर, यूक्रेन से बाहर निकलकर हंगरी तक पहुंचे, और अब यहां पर भारतीय जो सरकार है, एम्बेसी, उसकी मदद से अब ये वापस अपने देश जा पाएंगे। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने देखा है उसका असर इनके मन पर है। इनमें से कुछ छात्रों ने बताया है कि जब एम्बुलेंस या कुछ गाड़ी गुजरती है और उसमें सायरन की आवाज होती है तो वो सहम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एयर रेड सायरन सुनी है, बम के धमाके सुने हैं, तो ये असर उनके मन पे कर गया है। सचिन कपूर के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, बुडापेस्ट, हंगरी।